बसम्ल रामीम जनाब अरबाब शहजाद आपको और आपकी सारी टीम को खराज तहसिन पेश करता हूँ आपने एक बहुत बड़ी गलती की कि आपने पहले ही लोगों को बता दिया कि टॉप टेन कौन है और बाकी मिनिस्टर्स नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी को नहीं बताना जब तक ये फंक्शन नहीं होती मैं चाहता हूँ सारे मिनिस्टर्स बैठे हों क्योंकि मुझे ये रिमाइंड करवाता है मैं जब स्कूल में था ना तो इंसान का एक ही पैशन होता है लव अफेयर एक ही होता है दो चीज़ों से नहीं हो सकता तो मेरा तो स्पोर्ट्स का पैशन था शुरू से तो पढ़ता नहीं था मैं तो मेरी वालदा मुझे सारा वक्त के होमवर्क करो मैं खेल के और जब तक शाम का वक्त तो होता था इतना थका हुआ होता था, था मैं काम ही नहीं करता था तो क्लास में बड़ा मेरा नीचे नंबर था तो फिर एक हमारा प्रिंसिपल आया मैं बारह तेरह साल का था उसने फैसला किया कि सारे स्कूल के सामने आपके मार्क्स पढ़े जाएंगे तो जब मेरा नंबर पीछे आया सारे स्कूल के सामने खड़ा होना पड़ा मार्क्स पढ़े गए उसके बाद मैं अपनी वालदा को कहता था कि मैंने होमवर्क करना है और फिर मेरी पोजीशन ठीक हुई तो मेरी मिनिस्ट्रीज़ का भी मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज़ बैठी हो और सबको पता हो कि किसने काम कितना किया और जब ये जितना हम इसको पब्लिसाइज करेंगे और इन ये टीवी पे भी आएगा तो ये इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ को मेहनत करने की क्योंकि जिस तरह मैं जब किसी को पता ही नहीं होता था कि मेरे मार्क्स कितने आने हैं सिर्फ मेरी वालदा को पता चलता था और वो प्यार इतना करती थी वो कुछ कहती नहीं थी तो हम भी यही मैं अपने आप मिनिस्टर्स को क्या कहूँ अगर कोई मेहनत नहीं करता तो हम कहते रहते मेहनत करो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जब सब के सामने आप मार्क्स पड़े जाएंगे सजा और जजा होगी तो इन ये जो हमारा बाकी टन और है, इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूं। एक कि कोई भी सिस्टम कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जजा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल है उधर तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं लेकिन वो उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है गवर्नमेंट सेक्टर से जिधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो उसके अंदर लोग जाते नहीं हैं प्राइवेट सारे जिनके पास पैसा हो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सज़ा और जजा का निज़ाम ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर सीनियरिटी की एक एक पहचान है लेकिन सीनियरिटी की वजह से प्रमोशन और पैसे और बोनसेस नहीं मिलते परफॉर्मेंस पे मिलते हैं। अगर शौकत खानम एक दोनों चार पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं जिनको इंटरनेशनल रिकगनीशन है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ चार हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आगा ख़ान है अलशफ़ा है और दो शौकत खानम पशावर और लाहौर और उसकी सिर्फ ये वजह है कि वहाँ जो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते ना आपकी प्रमोशन होती है और अगर आप इवेंचुअली वार्निंग्स के बाद निकाल दिया जाता है और जो परफॉर्मेंस रहता है उसको उसकी उसका 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 उसको मिलता है बोनस मिलते हैं तनख्वाहें बढ़ती हैं तो हमारी अब पूरी कोशिश है कि हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ को भी एक जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे कि एकदम चेंज ले आएंगे लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्ज़ॉर्ब करने की इसमें हमें आस्तक ये इंसेंटिवाइज ही करके हम अपने आ, अपनी मिनिस्ट्रीज़ और अपनी बोरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे तो ये जो शहजाद अहबाब ने सिस्टम निकाला इसका और इसकी बड़ी केयरफुल एवेल्यूशन करके अभी आपने उन्होंने तफसील में बताया कि क्या क्राइटेरियन था जिसकी वजह से और मैं मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं सबसे यंग वजीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की तो मैं जो आगे चाहता हूँ शहजाद आप, आप मिनिस्ट्रीज़ को एक और चीज़ कहेंगे जब आप कहते हैं ना क्वालिटिटिव परफॉर्मेंस कि परफॉर्मेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हम ये ये करेंगे उसके अंदर आप बैठ के जब उसको इवेल्यूट करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें करेंगे उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया और जो वेटेज देनी चाहिए वो इसको कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी तरफ कौन सी मिनिस्ट्री अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से उस तरफ कौन लेके जा सकती है और उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन में ये हमारा जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट का और जो मुल्क के इंटरेस्ट है उसमें करेक्शन नहीं आया कि क्या मिनिस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी इन अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करने के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन कैसे होगी फिर गवर्नेंस सिस्टम का मतलब अवाम की जिंदगी कैसे बेहतर करेगी ग़र्बत जो हम हमारा असल चैलेंज है कि लोगों को गुर्बत से निकालना वो मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है आउट ऑफ़ द बॉक्स कितनी उनकी सॉल्यूशंस हैं एक तो है ना सारी ट्रेडिशनली बनी हुई है कि हम ये ये करेंगे लेकिन इंसेंटिव सबसे ज़्यादा दें कि आउट ऑफ़ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आए कि कौन इस ये जो नेशनल इंटरेस्ट की तरफ़ कौन कौन सी आप चीज़ करेंगे कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा सकें और, और बोनस हम इंक्रीज करते रहेंगे हम अब ये जो सिस्टम बना हुआ कि एकदम सबकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं हम अब जिस तरह वो शुरू में शौक नहीं है बैठे हुए मैंने इसलिए कहा कि आपको नेक्स्ट टाइम बताना ही नहीं चाहिए जब तक कि पता ना चले यहाँ आके के उस सबको पता चले कि कितनी अच्छा वो सॉरी वह बैठा हुआ क्योंकि मैं जिस मैंने रियलाइज़ किया कि जिन जिन मिनिस्टर्स के नाम नहीं है वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहेगा तो अच्छा अच्छा ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वैसे औरों में भी ज़्यादातर मैं नोटिस हाँ अच्छा जी फाइनली uh, uh, मैं uh, शहजाद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो क्राइटेरियन है इसके अंदर स्पेसिफिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन सी सोल्यूशन हैं हमारे कई मसल हमें आई एम एफ के अंदर जो उनकी लिमिटेशन दी हु उसके बीच में चलना पड़ता है लेकिन उसके बीच में बड़ी केपेबलिटी है कि हम कैसे अपने लोगों की मदद कर सकते हैं आज कल का ज़माना सारी दुनिया में कमोडिटी साइकिल आया हुआ है कीमतें ऊपर हुई हैं इन्फ्लेशन है तो हम कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं यहाँ ह्यूमन जीनियस इधर आता है कि कौन सोचता है आउट ऑफ द बॉक्स एक तो है ना ट्रेडिशनल जो आउट ऑफ द बॉक्स उसके ज़्यादा वेटेज थे और फिर कई मैंने देखा कि ब्यूरोट्स पहले तो नैब की वजह से चांस ही कोई नहीं लेते थे कोई भी जिधर भी थोड़ा सा उनको शक हो कि उसमें कोई मसला आ सकता है तो वो उसके ऊपर बैठ जाते थे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारी गवर्नमेंट को होता है तो अब तो हमने वो वो, वो भी हर्डल ख़त्म कर दिया नैब का वो जो लूप था वो भी हमने अब उसके ऊपर नैब में रिफ़ॉर्म्स कर दिए तो अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसको भी पीनलाइज करें कि अगर कोई चीज़ सिर्फ इसलिए कि एक, 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 एक मिनिस्ट्री में फंस गई है कि शायद इसमें कोई रिस्क हो और उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो इसमें पेनल्टीज़ लेके आएँ ताकि ये भी कितना बड़ा नुकसान होता है सिर्फ इसलिए कि जी आगे, आगे आप कुछ कर ही नहीं रहे मूव ही नहीं कर रही फाइल तो थोड़ा सा और अपने जो क्राइटेरिया है उनको और ज़रा फ़ाइन ट्यून करें ताकि हम जब अगली और ये क्वार्टरली रिव्यू होगा जब अगली दफ़ा हम रिव्यू करते हैं तो और भी हमें बेहतर वेल्यूशन होगी अपनी टीम की परफॉर्मेंस की शुक्रिया